अच्छा, आपने देखा होगा कि कोई बाप बड़ी मेहनत करके, जिंदगी भर स्ट्रगल करके एक व्यापार खड़ा करता है, बड़ा बिजनेस खड़ा करता है, फिर जब बुढ़ा हो जाता है तो अपने बच्चे को सौंप देता है कि ये बच्चा आगे चलाएगा। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो व्यापार को चौपट करके कुछ दिनों बाद सामने वाली कपड़े की दुकान में नौकरी करते पाए जाते हैं। ऐसे बच्चों को अखिलेश यादव कहते हैं। अच्छा, चुनाव हो रहा है, बहुत सारे लोग प्राइम मिनिस्टर बनना चाह रहे हैं, लोग इसीलिए लड़ रहे हैं, लगे हुए हैं। राहुल गांधी वो भी प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं, ममता बनर्जी वो भी थोड़ा सा प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं। मायावती भी उससे भी थोड़ा सा वो भी बनना, लेकिन अखिलेश यादव को मुझे समझ में आया वो क्या बनना चाह रहे हैं, क्या बनना चाह रहे हो। उनसे कुछ भी पूछो तो सिर्फ एक ही बात कहते हैं, मैं कहना चाहता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं। क्या कहना चाहते हो, क्यों कहना चाहते हो, कह करके क्या कर लो, क्या बनना चाहते हो। जो बनना चाहते हो उससे ज्यादा मायावती तुम्हें बना चुकी है। और तुम बन चुके हो, बस मानना बाकी रह गया। मैंने एक दिन इनके पिताजी से, मुलायम सिंह यादव से पूछ लिया कि ये सब जो भी कर रहा है ये बच्चा, आपने कभी इसको समझाया नहीं? तो वो बोले, नहीं ऐसी बात है, हमें समझाओ, हमारे खूब बात सुन, बी में बोए टोके करने बात हमें करने, हमें खूब बड़ा समझाए सुन, ऐसी बात नहीं, हमें बड़ा बहो के यहाँ बहो, हम जो हम जो बाप आओ तुम बाप बाजी मानो, सिपा चाचा चाचा बाजी मानो, जैसे करके ठंडा खड़ा करके पूरा जो कैसे बाप मान चुका, समझाओ मैं जाके हम कहाँ बहो वहाँ चाय करके हम हाँ हम बने को हम राज मिलेंगे, हमने पूरा जीवन चार कर दिया और तुम जो बच्चों को खा पे साई के पहले करके भेज जाए काम है हमें को मिले और जो कर मैं अपनी मोहन दिया पानी में राजिम करके खा जा हम तुम्हें समझा जा हमारी लाख वाइन दे तुम्हें जा वहां हमें कोई बोले हैं ये कुछ हम आए वो खाम। मैंने कहा समझ गया, कहा समझ, मैंने कहा समझ गए, कहा समझ गए, कहा समझ गए बताओ, कहा समय हमें बताओ, हम इतनी देर बोल रहे हैं हमें खुद समझ नहीं आ रहा। और तुम्हें समझ में आओ, कहा समझ में आओ, तुमने कहा मुझे यही समझ में आया, इसी वजह से अखिलेश को कुछ समझ में नहीं आया। बोले आए बात नहीं है, एक बाप जो अपने बेटों समझाए, एक बाप जो अपने बेटों को समझाए तो बेटों बात समझनी चाहिए। हमने अपने बेटों समझाया, देखो तुम्हें नई साइकिल दी है, अपनी साइकिल संभाल रखना, किसे उस साइकिल में बैठाना नहीं। और जिन नायक नेता नारायक माना नहीं, पिछले बार इसने राहुल गांधी को आगे डंडे में बैठा दिया। अगला पहिया पंचो, फिर हमें समझाओ, हमने आपकी सुसाइकिल मत बैठाया, फिर नहीं मानो मायावती बैठा लिया। अच्छा, हम देखे अखिलेश बच्चा है, मायावती को समझना चाहिए। अच्छा ये बताओ हमें, हाथी गोद में लेकर साइकिल में कौन बैठता, हमने नहीं, बुआ जी हैं तो
बैठा लिया भतीजे, काहे बुआ कहा बुआ लगी बुआ बुआ कहो हम काहे बुआ बुआ हम जा घर बुआ बुआ हम राखी बांध गए कहा बुआ हो गए। अरे हमने नहीं मानते नहीं, हमने कहा लेकिन अगर बुआ बोलते हैं तो कहीं ना कहीं से तो ये बात निकली होगी ना बहन। नहीं देखो हम बताया तुम्हें एक बार इलेक्शन में यह मायावती ने हमें बुरी तरह हरा दिया, हम गुस्से में हमने कहा अब मायावती बहेंगे अच्छा पर इतना ही बुआ हमने देखा सामने बच्चा खा हुआ है, हम रुक गए। अब बच्चे लोगा बहन जी तो मतलब ये तो बुआ इसने मान लिया हो। ने हमने कहा समझाइए कुछ अच्छी बात इसको, इसकी प्रॉब्लम समझिए, बच्चे की प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम हम समझ गए इसको, मैं क्या प्रॉब्लम है हमसे कहने लगा नेताजी। हमने कहा आपको नेताजी बोलते हैं? नहीं, जब से समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष बन गया, प्रेसिडेंट बन गया, तब से नेताजी, पहले पिताजी बोलता अगर नेताजी बोलता। हमसे कहने लगा पिताजी हम साइकिल चलाएं धूप में बहुत गर्मी लगे, हमारी साइकिल में एसी लगवाते हो। साइकिल में एसी? तो हमने कोई बात नहीं, हम अमर सिंह से कहेंगे तुम्हारे साइकिल में एसी लगवा दें। और अमर सिंह का नाम सुनकर भड़क गया हमने, वो तो ठीक है लेकिन अमर सिंह भी साइकिल में एसी कहां से लगवाएंगे? कहा बात कर रहे हैं, अमर सिंह बहुत जुगाड़ू आदमी है, तो एसी की बात कर रहा हूं, दो तीन बार तो हमारे लिए साइकिल में हीटर तक लगवा चुके।